आज फिर से एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना घटित हुई है धामपुर के उमरपुर बांगर में, जहां पर मामूली सी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और गुस्से में आए पति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति मुजफ्फरनगर गया हुआ था और वहां से वापस आने के बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते पति ने पत्नी को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है सर। कहाँ के रहने वाले? उमरपुर बांगर सर। आज जो आपकी बेटी की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? जी सर, वो दहेज का मांग कर रहा था और जो ना वो मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से दहेज देता सर। उसने आज मेरी बिटिया की हत्या कर दी गला काट। क्या नाम है बिटिया का? बिटिया का नाम रश्मि है। कितनी उम्र है? 21 वर्ष सर। कहाँ हुई थी इसकी शादी? सर मुजफ्फरनगर के पास गाँव में दतियाना। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? जी सर। किस टाइम आया था वो? कल 5 बजे आया था सर। लेट हो गई। थाना धामपुर के उमरपुर बागर गांव की 21 वर्षीय रश्मि नाम की बालिका का विवाह अब से 6 माह पूर्व दिसंबर 2021 में मुजफ्फरनगर के छपार थाने के दतियाना गांव में सुमित नाम के लड़के से हुआ था। सुमित अपने ससुराल उमरपुर बागर आया था कल रात में, इसी बात के लेकर के विवाद हुआ। दहेज की मांग का उल्लेख किया गया है। आज दोपहर बाद सुमित ने अपनी पत्नी रश्मि पर सब्जी बनाने वाले चाकू से वार कर दिया। रश्मि की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा सुमित को हिरासत में ले लिया गया है। 304 भी दहेज मृत्यु का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई एवं अन्य विधि कार्रवाई करके विधि कार्रवाई की जा रही है।